नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिरिंज के निडल्स की। दोस्तों आपने देखा होगा कि जो निडल्स होती हैं उनकी साइज़ और उनका शेप, उनकी मोटाई और उनका जो हब का कलर होता है, जो निडल हब होता है उसका जो कलर होता है वो अलग अलग होता है, डिफरेंट टाइप का होता है। और इसको कैसे मेजर करते हैं, मतलब कौन सा मेजरमेंट होता है, तो इसको हम लोग गेज बोलते हैं, बहुत सारे लोग गॉज बोलते हैं, गाज बोलते हैं, ठीक है। तो ये गेज नंबर होता है, गेज नंबर से हम निडल्स के बारे में पता करते हैं। तो एक्चुअली आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ये गेज नंबर क्या होता है, गेज नंबर, और उसके बाद ये कितने प्रकार की निडल्स आती हैं। एक्चुअली मैंने केवल उतनी निडल्स के बारे में बताया है जो कि कॉमन है, जो कि कॉमनली यूज की जाती हैं। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कॉमनली कौन कौन सी यूज की जाती हैं। तो चलिए अभी वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे छोटे गेज नंबर से, और छोटे गेज नंबर की जो सुइयाँ होती हैं, निडल्स होती हैं, वो बड़ी होती हैं और मोटी होती हैं। तो जैसे अभी आप यहाँ पे देखिए, तो ये चीज़ जो होती है सॉफ्ट, ठीक है, ये थोड़ी सी मोटी होगी, और ये गेज नंबर के अनुसार आप देखिएगा ये कलर जो होता है वो चेंज होता रहता है, ठीक है। तो इसी कलर के, मतलब इसी कलर के अनुसार हम समझ सकते हैं कि कितने गेज नंबर की आपकी निडल है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है व्हाइट कलर की निडल। व्हाइट कलर की निडल जो होती है, ये कलर अगर व्हाइट है तो इसका साइज जो होता है वो 16 गेज का होता है, 16 गेज का होता है, और लेंथ इसकी होती है 1.5 इंच, मतलब ये जो लेंथ है ये इसकी 1.5 इंच की होती है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, दूसरी आती है पिंक कलर की। पिंक कलर की जो निडल्स होती हैं वो उनका साइज होता है 18 गेज का, और इनकी जो लेंथ होती है वो 1.5 इंच होती है, लगभग उतनी होती है दोनों की, ठीक है। इसकी बस मोटाई थोड़ी सी पतली हो जाती है, कहने का मतलब व्हाइट का देखोगे तो डायमीटर थोड़ा सा मोटा होगा, इसका डायमीटर थोड़ा सा कम होता है, मतलब ये निडल पतली हो जाती है। नेक्स्ट आती है आपकी येलो कलर की। येलो कलर की साइज जो होती है वो 20 गेज की होती है, और इसकी जो लेंथ में आती है, तीन तरह की आती है लेंथ। एक तो एक इंच की आती है, 1.25 इंच की आती है, करीब 1:4, ठीक है, एंड 1.5 इंच की आती है, लगभग 1.5 इंच की। तो इसकी जो येलो कलर वाली निडल्स होती हैं वो 20 गेज की होती हैं, और ये तीन प्रकार से आती हैं। इसी तरह की लगभग जितनी भी आती हैं, कोई भी कलर की हो, मतलब करीब इतना ही आती है। अभी आगे देखते हैं हम कैसे बात करते हैं यहाँ पर। अगली होती है ग्रीन कलर की। ग्रीन कलर की 21 गेज होती है इसका जो साइज़ होता है, और इसकी भी लेंथ जो होती है वो 1 से 1.25 से 1.5, मतलब लगभग 1.5 इंच तक ये लंबी होती है। बशर्ते यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या होगा कि इसकी जो डायमीटर है वो कम हो जाती है, मतलब ये सुई पतली हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला आता है ब्लैक कलर। ब्लैक कलर का है तो 22 गेज की जो निडल्स होती हैं वो ब्लैक कलर की आती हैं, और इनकी भी लेंथ जो होती है 1.25 एंड 1.5 इंच, मतलब 1 से लेकर के 1.5 इंच तक इनकी लंबाई होती है। नेक्स्ट आती है ब्लू कलर की। ब्लू कलर की जो साइज़ होती है वो 23 होती है, मतलब 23 गेज होती है, और इसकी भी लेंथ करीब होती है वही 1 से लेकर के 1.5 इंच तक, ठीक है। बस यहाँ पर मोटाई में फ़र्क आ जाता है। अगला है पर्पल कलर की। पर्पल कलर की होती है 24G, और इनकी भी लेंथ करीब होती है 1 से लेकर के 1.5 इंच तक, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट आता है ऑरेंज कलर की आती है, जो होती है 25 गेज की, और यहाँ पे भी लेंथ आती है 1 से लेकर के 1.5 इंच तक। देखिए गेज क्या होता है, गेज एक मेजरमेंट होता है, ठीक है, मतलब एक मेजरमेंट यूनिट आप कह सकते हैं, और गेज के अनुसार जो है जो डायमीटर होता है किसी भी निडल का वो चेंज होता है। अगर आप कहेंगे तो मैं डायमीटर के ऊपर वीडियो बना दूंगा कि क्या डायमीटर होता है, बट अभी यहाँ पे हम केवल टाइप्स ऑफ निडल्स देख रहे हैं गेज नंबर के अनुसार और उनके कलर्स देख रहे हैं, बाकी हम कुछ नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगली है आपकी ब्राउन कलर की होती है, और इसकी जो साइज़ होती है 26 गेज होती है, और इसकी लेंथ जो होती है वो 0.5 से 1.5 इंच तक होती है, ठीक है, मतलब आधा इंच से लेकर के 1.5 इंच तक ये आती है। अगला ग्रे कलर की होती है, और इसकी जो साइज होती है 27 गेज होती है, और लेंथ जो इसकी होती है करीब 0.5 से 1.5 इंच तक आती है, मतलब सेम आती है दोनों, बस इसकी मोटाई में फिर डायमीटर में अंतर आ जाता है। इनर और आउटर डायमीटर जो होता है, मतलब इंजेक्शन का जो निडल है वो पतला और मोटा हो जाता है, ठीक है, बाकी जो लंबाई होती है 0.5 से लगभग 1.5 इंच तक होती है। अगला पढ़ते हैं आगे,
कलर अगर आपका ब्लू और ग्रीन होगा, मतलब दोनों कलर मिक्स करके होगा, ठीक है, तो इसका जो साइज होता है वो 28 गेज मतलब 28 गेज का होता है, और इसकी लेंथ जो होती है वो 0.5 इंच की होती है, मतलब ये छोटी होती है। इसी तरह से अभी यहाँ पे देखेंगे रेड कलर का, तो यहाँ पे 29 गेज होती है ये, और ये ज़्यादातर आपको इंसुलिन इंजेक्शन में देखने को मिलती है, या फिर जैसे इंजेक्शन आते हैं आपके एंटी रेबीज, मतलब जो सबक्यूटेनियस या सब इंट्राडर्मल लगते हैं, तो वहाँ पे ये 29 गेज की सिरिंज या इंजेक्शन का जो नीडल होती है वो आती है। इसकी लेंथ होती है 0.5 इंच की। नेक्स्ट आती है, ये मेरा लास्ट है, ऐसे हैं तो और बहुत सारे बट इतने कॉमनली यूज होते हैं। पेल येलो कलर, मतलब लाइट येलो कलर का है, तो यहाँ पे जो साइज़ होती है वो 30G की होती है, और लेंथ इसकी भी होती है 0.5 इंच की, ठीक है, बस इसकी मोटाई में मतलब डायमीटर में अंतर आ जाता है। तो दोस्तों ये था कुछ सिरिंज का जो निडल होता है उसके जो टाइप्स, एक्चुअली ये टाइप्स मैंने आपको इसमें वीडियो में बताए हैं कि जो है इनके कलर और इनके जो गेज नंबर हैं उसके अनुसार। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हर गेज नंबर के अनुसार क्या पैरामीटर होता है, कैसे इंजेक्शंस में जो निडल्स होती हैं उसका डायमीटर चेक होता है, कौन सी निडल मोटी है कौन सी निडल पतली है, उसको हम गेज नंबर से जान सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि निडल्स जो होती हैं कुछ इस टाइप की होती हैं, इतने टाइप की जितना भी मैंने आपको बताया वो कॉमनली यूज की जाने वाली होती हैं, जिसमें आपने ये भी देख लिया कि जितना बड़ा गेज नंबर होगा, गेज नंबर जितना बड़ा होगा निडल उतनी छोटी होगी, और गेज नंबर जितना छोटा होगा निडल उतनी बड़ी और मोटी होगी, ठीक है। तो खास करके मैं आपको बताऊं तो 22, 23, 24 ये गेज नंबर की जो होती हैं उनका हम यूज़ करते हैं कॉमनली जब हम लोग इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं, और सबक्यूटेनियस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं जो सबसे नीचे की होती हैं करीब 28 या 29 या 30 नंबर की या 30 गेज की जो निडल्स होती हैं उसको सबक्यूटेनियसली यूज किया जाता है। लाइक इनको हम कभी कभी इंट्राडर्मल भी यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कुत्ते का इंजेक्शन हुआ, या फिर कभी कभी इंसुलिन के जो इंजेक्शन्स होते हैं उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको थोड़ी बहुत बातें बताई। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।